और वे रायपुर में जारी कांग्रेस के महाधिवेशन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिले वो भी मौजूद रहे और इस दौरान हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ धनीराम शांडिले ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। रायपुर में प्लेनरी सेशन चल रहा है, तमाम कांग्रेस जन जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। सर, प्लेनरी सेशन चल रहा है, काफी लंबे समय बाद जो है इस तरीके का सेशन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की चीजें आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जो है निकल कर सामने आती नजर आएगी? सर देखिए, जो 85th कांग्रेस प्लेनरी सेशन हो रहा है रायपुर में, एक बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन है, जैसे सभी ऐतिहासिक हुए हैं, परंतु मैं इसे विशेष रूप से इसलिए ऐतिहासिक कहता हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो जो फैसले आज तक लिए, जिससे कांग्रेस आज जहाँ है और कहाँ तक पहुँच पाई, और एक ऐसा समय है आज इस अधिवेशन के समय कि देश बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा, आर्थिक नीतियां बिल्कुल भी देश के फेवर में नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरे फैसले लिए गए हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या हम इतने निर्मम हो गए, इतने करुणाहीन हो गए कि जब मजदूरों को सिर्फ 8 घंटे का नोटिस भी नहीं दिया गया और उन्होंने गाना गाया था कि भूखे पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे अपने गांव, मोदी जी हम याद रखेंगे। और नो डाउट वही चीज हमारी, जब मैं तो एक आर्मी ऑफिसर रहा हूं, 3 युद्ध खुद लड़े हैं, और जो ये थोप दी गई है अग्निपथ योजना, ये हमारे आर्मी के हक में नहीं है। मैंने तो 71 वार लड़ा है, 65 वार लड़ा है, 62 में हम आपकी तरह 20 साल के थे जब चाइनीज इंटरव्यू में भेजे गए थे, तो मुझे याद है कि कितना मुश्किल होता है देश को संभालना, लेकिन इंदिरा गांधी ने संभाला। 71 के दिनों में उन्होंने कहा था, मैं अपने जवानों को सब कुछ दूंगी, देश कुछ भी कर सकता है, हम बिना किसी के रह जाएंगे, जवानों को सब सामान मिलेगा, उनको सारी चीजें दी जाएंगी, टैंक्स मिलेंगे, आर्टिलरी मिलेगी, तोपखाना में सब मिला, और नो डाउट हम जीते और उन्होंने बड़ा इतिहास बनाया। तो आज जो ये परिवार है सोनिया गांधी जी जिसकी महान सदस्य हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, ये मैं सच कहता हूँ, इनके अंदर वही सब गुण हैं। प्रियंका जी के गांधी उनकी दादी के गुण हैं, जो हमारे राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ा यात्रा की है, कि तबकी के इस परिवार में बलिदान है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना है, प्यार है। सच सवाल ये कि कांग्रेस का जो संविधान था उसमें संशोधन की बात भी जो है कही जा रही है, चाहे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, किस तरीके से इसका फायदा आने वाले सब? बहुत ही सुंदर संशोधन है जो अभी आज जिसको हमने सभी ने पारित किया है, और ये जो 50% तक की जो सिद्धांत है कि उस वक्त तक हम आधे लोगों को पद देंगे, और सबसे दूसरी चीज जो दूसरी चीज ये कह रहे हैं वो है कि हम जो पहले लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जिस भी किसी पद पे रहे हो वो भी एक कार्य समिति बनेंगे और कार्य समिति बड़ी बनेगी, इससे भी लोगों को ज्यादा जिम्मेवारी मिलेगी, ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगी, प्रतिभागिता मिलेगी, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो काम का तरीका, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा सर एक अंतिम प्रश्न ये पूछूंगा, 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उस पर इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर अवश्य। असल में अगर सचमुच में आप देखो तो जो ये बिसात बिछाई जा रही है, जो ये प्लानिंग है, जो एक प्रकार से उस युद्ध के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये उसी लिए है कि 2024 में कांग्रेस को भारत की राजनीति में पूरे दल बल के साथ, पूरे मेजोरिटी के साथ आना है, और जो आज की सरकार है इसको बाहर भेजना है, ये कोई दो राय नहीं, वो इसका बड़ा असर होगा, हमारी ये जितनी भी ये प्रस्ताव है इनका असर होगा, वाई नॉट। और अगर आप देखेंगे, मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमने अभी हिमाचल में देखा, हिमाचल में भी कठिन स्थिति थी, प्रदेश में हम इन्हीं की सरकार भारतीय जनता पार्टी, और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार, उसके बाद भी हमारे लोग जीते, हम और भी ज्यादा सीटों से जीत सकते थे, हो सकता था, 40 तो फिर भी आई हमारी, 68 सीटें हैं, तो जीत के बाद ये सारा श्रेय हम
मैडम सोनिया गांधी को देते हैं, राहुल जी को देते हैं, प्रियंका जी को देते हैं, जिन्होंने मैं कहता हूं देव कन्या के रूप में आके हम लोगों का पहली, मैं तो सोलन क्षेत्र के जीता हूं, ये सेवल प्रियंका जी की, मैं सच कहता हूं इनकी, मैडम सोनिया गांधी ने कहा था सबसे पहले वहीं से करना जहां हमारा घर, तो इनका घर शिमला में और सोलन शिमला का हिस्सा, तो पहली जो इनकी रैली थी तो बड़ी वेल अटेंडेड रैली थी, उसका असर हुआ कि पूरे आज हमारे माननीय सुखेंद्र सुखू भी बता रहे सीएम साहब, उस रैली का असर हुआ कि हमारे प्रदेश में सब जगह विजय का डंका बजा, और ये इसका सब श्रेय मैं श्रीमती सोनिया गांधी, एक बार कहूंगा प्रियंका जी और राहुल को देना चाहता हूँ। तो ये हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल्य थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्पर्श शर्मा रायपुर।